नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर केयर में। आज हम बनाएंगे तुलसी काढ़ा। बदलते मौसम की वजह से होने वाले सर्दी जुकाम और गले की खराश से छुटकारा दिलाने के लिए बढ़िया काम करता है ये तुलसी काढ़ा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसको कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है, आप घर पर बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ तुलसी के पत्ते। उसके बाद ये मैंने लिया है थोड़ा सा पुदीना, पुदीना के पत्ते हैं। और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च लिया है, अदरक का पेस्ट है और लौंग है। थोड़ा सा लिया है गुड़, ठीक है। तो अभी इसको बनाना है। सबसे पहले मैं स्टोव ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी उसमें मैंने एक ग्लास पानी डाला है। ठीक है, पानी थोड़ा सा गर्म होने देना है। पानी 100 ml ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है तो कैसे बनाना है मैं को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक ग्लास का ही बना रहा हूं। ठीक है, पानी गर्म हो गया है। जब पानी गर्म हो जाता है तो स्टोव को थोड़ा सा स्लो मोड पे डाल दीजिए, ठीक है। अभी उसमें आपको डालना है तुलसी के पत्ते डालने हैं सबसे पहले। दस से बारह पत्ते डाल सकते हैं आप, ठीक है। पांच से सात पत्ते डालने हैं पुदीना के। ये पुदीना से साथ, इसको थोड़ा गर्म होने देना है। एक या दो मिनट तक इसको गर्म करना है। आप चाहे तो स्टोव थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए बबल्स जैसा अभी उबलने लगा है। जब ये उबलना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें डालना है चार काली मिर्च। आप सीधा भी डाल सकते हैं या इसका चार काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद लेना है अदरक का जो पेस्ट बनाया था उसमें से आधा चम्मच लेना है, हाफ टीस्पून वो भी डाल देना है। अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर देना है।
बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। जैसे आप उसके बाद मैं डालूंगा लौंग, तीन से चार डाल सकते हैं, ठीक है। इसको 5 मिनट तक उबलते रहने देना है। जब तक उबलता है तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। 5 मिनट हो गया है, अभी 5 मिनट के बाद उसमें डालना है गुड़ 1 चम्मच, या टेस्ट वाइज डाल सकते हैं आप। मैं 1 चम्मच ही डाल रहा हूँ, इसको हिला देना, ठीक है। देखेंगे जैसे जैसे टाइम होता जाएगा ये कलर चेंज होता जाएगा। डालने के बाद थोड़ा हाई मोड पे डाल दीजिए ताकि अच्छे से उबल जाए। थोड़ा सा हिलाते रहिए। अच्छे से उबलने के बाद स्टोव को बंद कर दीजिए। चेक कर लीजिए गुड़ जो आपने डाला है वो अच्छे से गल गया है या नहीं। ये काढ़ा तैयार हो गया है, अभी उसको छान लेना है। छल्ली से एक ग्लास में डाल देते हैं, इसमें डाल दीजिए। तैयार हो गया है बात, ठीक है, बिल्कुल कंपनी जैसा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल अच्छा ये अपना काढ़ा बना है। बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली सिरप की तरह इसका कलर और टेस्ट भी वैसा ही बिल्कुल है। तो ये अभी अपना काढ़ा तैयार हो गया है, अभी इसको कैसे यूज़ करना है मैं जानकारी देता हूँ। ये जो मैंने लास्ट में गुड़ ऐड किया था जो डायबिटिक पेशेंट है मधुमेह की बीमारी वाले, तो उनको ये गुड़ नहीं डालना है, बाकी सब डाल सकते हैं, बिना गुड़ के लेना है, ठीक है। अभी जो बच्चों को देना है तो 3 टाइम सुबह दोपहर और शाम को 2-2 या 3-3 चम्मच छोटी वाली दे सकते हैं, और जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं उनको 30-30 ml सुबह और शाम को लेना है, खाली पेट लेना है, ठीक है। ये सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छे से काम करता है और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिना दवाई के आप ये आप घर पे नुस्खा आजमा सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही।